Please subscribe and press the bell icon for more content. Hi everyone, स्वागत है आपका हमारे इस एड्रेल्टेक YouTube चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से लेटर पैड यानी कि लेटर हेड डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए। मेरे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वर्जन है। आपके पास कोई भी वर्जन है तो आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जाइए लेआउट पर और पेज सेटअप कीजिए। सबसे पहले आप जाइए मार्जिन पर, लेआउट पर जाइए और लेआउट पर जाने के बाद मार्जिन पर जाइए और मार्जिन पर नैरो कर लीजिए। नैरो करने के बाद यहाँ पर जाइए साइज़ पर और चूज़ कीजिए A4 साइज़ और क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पेज रेडी होकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर जाइए इंसर्ट पर, इंसर्ट पर जाने के बाद जाइए शेप्स पर और शेप्स पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल शेप्स पर क्लिक कीजिए। रेक्टेंगल शेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जाइए शेप आउटलाइन पर और शेप आउटलाइन पर जाने के बाद यहाँ पर आउटलाइन कलर मूव कीजिए। और उसके बाद क्लिक कीजिए यहाँ पर एडिट शेप्स पर, एडिट शेप्स पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए एडिट पॉइंट पर और इस तरीके से यहाँ पर एडिट पॉइंट दिख चुका है। और इस पॉइंट को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाइए और उसके बाद इस शेप्स को थोड़ा सा नीचे कीजिए कुछ इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर जाइए एडिट पॉइंट पर और इस शेप्स को यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और इस पॉइंट को क्लिक कीजिए और इस हैंडल को पकड़ के इसके ऊपर की तरफ लेकर जाइए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर शेप डिज़ाइन होता है दोस्तों। और इसको भी यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से यहाँ से ड्रैग कीजिए कुछ इस तरीके से और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाइए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए इस तरीके से शेप डिज़ाइन होकर तैयार होता है। और एक बार फिर से एडिट पॉइंट पर जाकर इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए और इस शेप्स को आप यहाँ से ऊपर की तरफ इस टॉप पर रख दीजिए और इसको थोड़ा बहुत मिलाना है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से इंसर्ट पर जाइए और शेप्स पर जाइए और यहाँ पर रेक्टेंगल शेप्स चूज कीजिए और इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ कीजिए और इसको यहाँ से रख दीजिए। और इसको कलर चेंज कीजिए, मैं यहाँ पर इस वाले कलर को सेलेक्ट करता हूँ और इसको आउटलाइन नो आउटलाइन कर देता हूँ। और इसको भी मैं इस शेप्स को भी यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ कुछ इस तरीके से, ये कलर सेलेक्ट करता हूँ। और इस शेप्स को मैं यहाँ पर एडिट ऑप्शन पे जाता हूँ और इसको मैं, इस शेप्स को मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और इसको मैं सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ, इसको सेंड बैकवर्ड और इसको पीछे की तरफ चला जाता है। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको इधर रख देता हूँ और इसको मैं फिर से एडिट पॉइंट पर क्लिक कर कर इस पॉइंट को मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ले आता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं यहाँ से एडिट पॉइंट पर क्लिक कर कर इस पॉइंट को भी मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से ले जाता हूँ और इस पॉइंट को मैं इसके ऊपर की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से और इसको मैं यहाँ से नीचे की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन तैयार होता है। और इसको मैं थोड़ा सा राइट के ओर ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसको मैं फिर से इंसर्ट पर जाता हूँ और शेप्स पर और इस रेक्टेंगल शेप्स पर क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसको कलर चेंज करता हूँ इस वाले कलर को और इसको आउटलाइन नो आउटलाइन कर देता हूँ। और इस वाले फिर से मैं एडिट पॉइंट पर क्लिक कर कर इस पॉइंट को मैं ऊपर की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसको मैं फिर से सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ले आता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। दिख जाए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन तैयार होता है कुछ इस तरीके से। और इसको भी मैं फिर से इंसर्ट पर जाता हूँ और शेप्स पर क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगल शेप्स पर जाता हूँ और नीचे की तरफ भी इस तरीके से कुछ डिज़ाइन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से दोस्तों। और इसको मैं यहाँ से एडिट पॉइंट पर जाता हूँ और इस वाले पॉइंट को यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ राइट क्लिक कर कर। और इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से यहाँ से मैं इससे वाले शेप्स को बना लेता हूँ और इसको मैं आउटलाइन पर नो आउटलाइन कर देता हूँ और इसको कलर में यहाँ से ये वाले सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं फिर से कंट्रोल डी करता हूँ, डुप्लीकेट हो जाता है इसको, और इसको मैं यहाँ से यहाँ पर ले आता हूँ, इसको कलर चेंज करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ इस वाले कलर को, और इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। और इसको मैं यहाँ से एडिट पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और इस शेप्स को क्लिक कर एडिट पॉइंट पर क्लिक कर इसको एडिट कर लेता हूँ, थोड़ा सा एडिट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ से नीचे की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर से मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ, कंट्रोल डी कर डुप्लीकेट करता हूँ, और इसको भी कलर चेंज करता हूँ कुछ इस तरीके से, इस कलर को गोल्ड कलर को देता हूँ, और इसको भी मैं सेंड बैकवर्ड कर लेता हूँ, फिर से बैकवर्ड कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन तैयार हो चुका है, और यहाँ पर आप हेडिंग लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप एड्रेस वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सब कुछ यहीं पर लिख देता हूँ दोस्तों, और मैं यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट पर, सबसे पहले मैं एक शेप ड्रा करता हूँ ताकि यहाँ पर लोगो रख सकूँ। मैं इसको यहाँ पर ओवल शेप्स ड्रा करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके से ड्रा करता हूँ ताकि चारों तरफ से ये इक्वल हो जाए। और इसको मैं कलर देता हूँ वाइट कलर, और इसको आउटलाइन नो देता हूँ, और इसको यहाँ पर रख देता हूँ, और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ से मैं इंसर्ट पर जाता हूँ, पिक्चर्स पर जाता हूँ, और मैं यहाँ पर एक लोगो सेलेक्ट करता हूँ, ये वाले लोगो, और इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, और इसको वार्प टेक्स्ट पर जाता हूँ, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करता हूँ। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करने के फ़ायदा है दोस्तों, इस इमेज को आप चारों ओर से ले आ सकते हो, जहाँ पर भी लाना है तो आप लग सकते हो दोस्तों, और इसको बड़ा और छोटा भी आसानी से कर सकते हो। मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको रख देता हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर ये लोगो बैठ चुका है। और मैं यहाँ पर नेम टाइप करता हूँ, इंसर्ट पर जाता हूँ, और यहाँ पर इंसर्ट वर्ड आर्ट पर जाकर ये वाले ब्लैक वर्ड आर्ट के सेलेक्ट करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जाइए होम पर, और एक बार क्लिक कीजिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद जाइए यहाँ पर नो स्पेसिंग पर, और इसको नो स्पेसिंग कर लीजिए, और यहाँ पर मैं नाम टाइप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कलर चेंज करता हूँ, दिस येलो कलर को गोल्ड कलर, और इसको मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, GLORY Glory PRIME Glory Primary School। मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करता हूँ, और इसको यहाँ पर फॉन्ट चूज करता हूँ, मैं इस तरीके से यहाँ पर फॉन्ट चूज कर लेता हूँ, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ फॉन्ट कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये वाले फॉन्ट को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ ये टेक्स्ट को, और इसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन देता हूँ ताकि इस तरीके से दिख जाए। और मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिर से इंसर्ट पर जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, और इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, फिर से होम पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नो स्पेसिंग, सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ एड्रेस, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर वाइट कलर कर लेता हूँ ताकि आसानी से सब कुछ दिख जाए, और मैं इसको फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ वर्धना फॉन्ट, और यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर से मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, और फ़ोन नंबर टाइप कर लेता हूँ PH9818507585, इसको मैं यहाँ पर एक बार छोटा कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑल करके इस फॉन्ट को, और इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि सब कुछ आसानी से दिख जाए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए
कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे डिज़ाइन तैयार हो रहा है दोस्तों। और मैं इसको यहाँ पर एक बार क्लिक कर कंट्रोल डी करता हूँ डुप्लीकेट। मैं यहाँ से फिर से मैं यहाँ पर इसको ESTD टाइप करता हूँ। यहाँ पर मैं 2018 दे देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं बोल्ड करता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको भी कलर में यहाँ पर ये वाले गोल्ड कलर दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। और मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ और कंट्रोल डी कर डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल glory@gmail.com। इसको सेलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ ताकि सब कुछ आसानी से दिख जाए। 7 फॉन्ट दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 7 कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, आसानी से यहाँ पर लेटर डिज़ाइन तैयार हो चुका है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर एक वाटरमार्क बना लेता हूँ। वाटरमार्क बनाने का 2 तरीका है दोस्तों, आप आसानी से बना सकते हैं। इंसर्ट पर जाइए, शेप्स पर जाइए और यहाँ पर रेक्टेंगल शेप्स ड्रॉ कर लीजिए। रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करने के लिए आप शिफ्ट होल्ड कर यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ताकि चारों ओर से इक्वल आ जाए। और इस तरीके से यहाँ पर शेप आउटलाइन पर नो आउटलाइन कीजिए और इस वाले शेप्स को राइट क्लिक कर फॉर्मेट शेप्स पर क्लिक कीजिए दोस्तों। फॉर्मेट शेप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल पर जाइए और जाइए यहाँ पर पिक्चर्स एंड टेक्सचर फिल पर और जाइए यहाँ पर इंसर्ट पर। और इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर चूज कीजिए इमेज, ये वाले इमेज को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, लोगो वाले इमेज को। अभी तक ये आपने लोगो वाले ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहाँ पर इस वाले लोगो वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर देख सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ इसको। और इसको इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाए ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंसी। आप इसको यहाँ से खींच जाए इस तरीके से बड़ा कर ले तो यहाँ पर आपको आसानी से वाटरमार्क बन चुका है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। और इसको मैं यहाँ पर एक बार इस तरीके से रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप इसको छोटा और बड़ा भी आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए दोस्तों। इस तरीके से आप आसानी से वाटरमार्क बना सकते हैं और इस तरीके से आप आसानी से लेटर हेड यानी कि लेटर पैड डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। इसको आप सेव कर सकते हैं, फाइल पर जाइए, सेव पर जाइए और कोई भी एक नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पर लेटर पैड दे देता हूँ और सेव करता हूँ। इसको आप PDF पर भी सेव कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं फिर से सेव एस पर जाता हूँ, ब्राउज पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सेव एस टाइप पर PDF सेलेक्ट करता हूँ। इसको क्लिक कर यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद यहाँ पर दिख चुका है दोस्तों, PDF पर भी सेव हो चुका है। इसको आप आसानी से प्रिंट वगैरह वगैरह कर सकते हैं। आप कहीं पर भी इसको सेंड कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये डिज़ाइन कर सकते हैं आसानी से। आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।